लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीएस होम ने कानपुर घटना की जानकारी सीएम योगी को दी है। आपको बताएं, पुलिस की लापरवाही को लेकर नाराज हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की घटनाओं पर भी जाहिर की है अपनी नाराजगी। सीएम योगी जल्द कर सकते हैं लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है खुद एक बड़ी कार्रवाई जो है लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कर सकते हैं। एसीएस होम ने कानपुर घटना की पूरी जानकारी जो है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। पुलिस की लापरवाही को लेकर काफी नाराज जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ हुए हैं। गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की घटनाओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हुए हैं। सीएम योगी जल्द लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जो सामने आ रही है, जहां पर एसीएस होम ने जानकारी जो है कानपुर कांड की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की घटनाओं पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की है। सीएम योगी जल्द लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं या उनके निर्देश जो है वो दे सकते हैं। एसीएस होम ने कानपुर घटना की जानकारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। जानकारी जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली वो खासा नाराज हुए हैं। गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की घटनाओं पर भी जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हुए हैं और सीएम योगी जल्द लापरवाह पुलिस जो भी कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो लगातार पुलिस की लापरवाही जो है वो लगातार सामने आती चली जा रही है प्रदेश में कई जिलों से, कई शहरों से खबर सामने आ रही है कि पुलिस की लापरवाही जहां पर देखने को मिल रही है। तो वहीं कानपुर की भी जो ये लापरवाही, कानपुर कांड की जो लापरवाही, जैसे ही कानपुर घटना की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली वो काफी नाराज हुए। आपको बताएं, एसीएस होम ने ये जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। पुलिस की लापरवाही को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो नाराज हुए हैं। तो गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की जो घटनाएं हैं उनकी भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली और इन घटनाओं को भी लेकर वो काफी ज्यादा नाराज हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ। हरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद एसीएस ने ये सारी जानकारियां सौंपी हैं, उसके बाद वो नाराज हुए हैं। वहीं बातें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लापरवाह पुलिस कर्मियों पर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या एक्शन जो है वो सीएम के द्वारा लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, कानपुर में संजीत यादव का अपहरण किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है और दुखद घटना का एक पहलू ये भी है कि जो पीड़ित परिवार है उससे फिरौती की रकम भी वसूली जाती है। तो पुलिस की जो लापरवाही है इसको लेके योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और इस बात को लेके खासी नाराजगी जाहिर करी है कि इस पूरे मामले में कदम कदम पर पुलिस कर्मियों की तरफ से साथ जो पुलिस चौकी इंचार्ज है और जो थाना अध्यक्ष है उनकी तरह एसएचओ लेवल पर जो लापरवाही हुई है, अगर शुरुआती दौर पर पुलिस अपनी सक्रियता दिखाती तो संभव है कि संजीत यादव की जान बच सकती थी। इस बात को लेकर खासे नाराज है और जिस तरह से गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या होती है और इसके अलावा सीतापुर में बजरंग दल की जिम्मेदारी निभा रहे जो लखीमपुर के जो बजरंग दल के नेता है संदीप जोशी, उनको गोली मारी जाती है, उनको लखनऊ फिलहाल गंभीर हालत में रेफर किया गया। कौशाम्बी में दो शराब की दुकान के सेल्समैन की हत्या कर दी जाती। तो ये जो तमाम जो घटनाएं इनको लेके न सिर्फ सीएम ने जानकारी पूरे घटनाक्रम के लिए बल्कि नाराजगी इस बात को लेके है कि लगातार पुलिस कर्मियों की तरफ से, पुलिस अधिकारी की तरफ से लापरवाही की है और ऐसे में संभव है कि बहुत जल्द न सिर्फ कानपुर मामले में बल्कि गाजियाबाद और कौशाम्बी और सीतापुर लखीमपुर से जुड़े से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिलों के अधिकारी हैं, उन पे गाज गिर सकती है, बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इस बात के जो संकेत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल रहे हैं और जो हमारे पास जो जानकारी है बहुत जल्द आज ये कार्यवाही देखने को मिल सकती है और एक संदेश देने की कोशिश होगी। अभिषेक, जिस तरह से न सिर्फ कानपुर का बिकरू कांड बल्कि उसके बाद ये संजीत यादव अपहरण मामले में भी जो पुलिस में नाकामी हुई है, उस बात को लेकर जो राजनीतिक जो हमला जो है योगी सरकार पर हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से भी यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जो लापरवाह जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्त हिदायत, जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए उन पे अमल किया जा सके। जी हरेंद्र, मुख्यमंत्री खुद इस वक्त सख्त दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों।